हेलो एवरीबॉडी, ये क्विक ट्यूटोरियल वीडियो है रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट ऐप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको डबल क्लिक करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के फोल्डर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये सॉफ्टवेयर की फाइल है, इसको हमने डबल क्लिक किया तो हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होएगा ये वाला। ओके, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट्स की लिस्ट है, तो पेशेंट्स का ये डेटा है जो हमने पहले ही ऐड किया था फॉर डेमोंस्ट्रेशन पर्पसेस। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारे टैब्स को। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर थ्री मेन टैब्स हैं। फर्स्ट है आपका रिकॉर्ड बुक, सेकंड है आपका पेशेंट रजिस्ट्रेशन, एंड थर्ड है आपका अपडेट रिकॉर्ड। ओके, सो एज़ पर फ्लो हम सबसे पहले पेशेंट रजिस्ट्रेशन को चेक करेंगे। तो दिस टैब इज़ फॉर जब भी कोई नया पेशेंट आता है तो उस पेशेंट का डेटा आप यहाँ पर डालोगे। तो अभी हम एक डमी डेटा इसमें डाल देते हैं। ओके, सारा हमने डेटा डालने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड सबमिट होएगा। अभी रिकॉर्ड सबमिट होने पे ही हमारे को एक पेशेंट आईडी जनरेट करके देगा। ये पेशेंट आईडी हर पेशेंट के लिए यूनिक रहेगी। ओके, सो आफ्टर दिस जब हम रिकॉर्ड बुक में जाएंगे तो आप देख सकते हो जो हमने हिमांशु ऐड किया था हमारा पेशेंट, वो यहाँ पे शो हो रहा है 1128। अभी आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगी। ओके, सो अभी हम देखते हैं इसके और फंक्शंस। तो सपोज़ करो पेशेंट आ गया, पेशेंट को आपने ऐड कर लिया। नाउ आप सेकंड थिंग करोगे, आप उसकी केस हिस्ट्री लोगे। न्यू पेशेंट है, उसकी केस हिस्ट्री लोगे। सो यहाँ पे एक है हमारी थ्री फाइल्स जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले हम केस हिस्ट्री वाली फ़ाइल देखेंगे। तो हम केस ओपन केस हिस्ट्री वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारी केस हिस्ट्री फाइल ओपन होगी। ओके, नाउ ये फाइल मैंने पहले ही डमी के हिसाब से भर रखी है ताकि आप एक डेमोंस्ट्रेशन में दे सकूँ कि आप इसको कैसे भर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे फिज़िकल अपीयरेंस दे सकते हो, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हो उसके, आप कोई फ़ोटो यहाँ पे स्टिक कर सकते हो पेशेंट की, आप उसकी रिपोर्ट यहाँ पे लगा सकते हो इसके अंदर। बेसिकली आप उसको समराइज़ कर सकते हो यहाँ पे, और आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हो। तो बेसिकली ये हम इस तरीके से आप इसकी केस हिस्ट्री ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया जब फर्स्ट टाइम केस हिस्ट्री होती है। अभी जब सेकंड और थर्ड टाइम पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है देन हम रिकॉर्ड फाइल इसकी मेंटेन करेंगे। अभी रिकॉर्ड फाइल में हमारे कई सारे कॉलम्स बना रखे हैं, पूरा फॉर्मेट बना रखा है। फर्स्ट है हमारा आपका डेट है, देन आपके सिम्टम्स हैं कि पेशेंट क्या सिम्टम बता रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका रूब्रिक है जो इसमें आप ऐड करोगे पेशेंट्स के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे मेडिसिन एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको क्या लगता है कि उसकी मेडिसिन है, तो उसका पूरा आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे। दिस कॉलम इज़ बेसिकली आप प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हो पेशेंट को कि आपको मेडिसिन ऐसे है ऐसे लेनी है और आप क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हो। देन यहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन है जिसके अंदर आप ये खुद के लिए है कि आपको क्या फील हो रहा है, पेशेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। देन यहाँ पे हमने कुछ टैब्स बनाए हैं फॉर सेविंग अटैचमेंट्स। यहाँ पे आप अटैचमेंट्स अटैच कर सकते हैं और फिर उनको लेटर व्यू कर सकते हैं। फॉर जस्ट लाइक दिस वन इज़ फॉर ऑडियो एंड वीडियो फाइल। तो अभी इसमें मैंने पहले से ही हाइपरलिंक्स ऐड कर रखे हैं, तो आप जैसे क्लिक करोगे इसके ऊपर तो आपका ओपन हो जाएगा। ये एक सैम्पल वीडियो फाइल है, तो आपने क्लिक किया तो सैम्पल वीडियो फाइल ओपन हो गई। ओके, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स अटैच करी हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन आपकी ये पिक्चर्स अटैच हो जाएगी। ओके, यू कैन ऑल्सो व्यू रिपोर्ट्स ऑल्सो। ओके, दिस वन इज़ फॉर रिपोर्ट्स, आपकी रिपोर्ट्स हैं कोई, तो ये भी एक सैम्पल पीडीएफ है, पीडीएफ भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप की फाइल्स हैं जो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और इस भी पेशेंट का पूरा डेटा आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रिकॉर्ड फाइल। नाउ आफ्टर दैट, रिकॉर्ड फाइल के बाद ये हमारा है मीडिया फोल्डर। अभी हमने जो रिकॉर्ड फाइल में जो अटैचमेंट्स अटैच किए वो हम इस मीडिया वाले फोल्डर के अंदर हम हर पेशेंट का जो अटैचमेंट है, जो उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो उसके वीडियोज़ हैं, वो सब हम इसके अंदर
फोल्डर में रखेंगे ताकि हमारा डेटा सेग्रीगेट रहे, अलग से रहे, और फिर इस फोल्डर से ही हम लिंक बना के रिकॉर्ड फाइल के अंदर लगाते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई पेशेंट आता है वो अपनी फ़ोटो देता है या कुछ उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, तो आप इस मीडिया फोल्डर को ओपन करेंगे पेशेंट सेलेक्ट करके, और इस फोल्डर के अंदर आप उसका सारा डेटा डाल दें, जिससे उस पेशेंट का डेटा सेफ रहेगा, अलग से रहेगा, सेग्रीगेटेड रहेगा। ओके, नाउ दीज टू टैब्स, दिस वन इज़ फॉर बुक। सपोज़ कीजिए आप पेशेंट देख रहे हैं और फिर आपको कोई मेडिसिन को रेफ़र करना है, तो ये कैंट की मेटेरिया मेडिका है, इसके अंदर आपके काफ़ी मेडिसिन हैं। तो सपोज़ करो आपको ओपीएम देखनी है दवाई, तो आप ओके ऊपर जाएंगे एंड देन यहाँ पे ओपीएम है, यहाँ पे ओपीएम आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपकी आप मेडिसिन यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो दिस फाइल इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर, अगर आपको क्विकली देखना है किस मेडिसिन में क्या है तो आप यहाँ से क्विकली देख सकते हैं। ओके, देन दिस टैब इज़ फॉर प्रेस्क्रिप्शन। सपोज़ कीजिए आपने देख लिया पेशेंट को, नाउ अभी आपको उसको प्रेस्क्रिप्शन देना है, आपको उसको प्रेस्क्रिप्शन व्हाट्सएप करना है या प्रिंट निकाल के देना है, तो ये टैब उसके लिए है। आप जैसे ही इसको दबाओगे, पेशेंट सेलेक्ट करके आप इसको दबाओगे, तो आपका ये एक सैम्पल फॉर्मेट है, ये प्रेस्क्रिप्शन आपका जनरेट हो जाएगा। इसमें पेशेंट आईडी आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी जिस डेट को प्रेस्क्रिप्शन जनरेट हो रहा है, और जो आपकी नी रिकॉर्ड फाइल के अंदर जो आपकी लास्ट एंट्री थी जो आपने प्रिस्क्राइब किया था पेशेंट को, वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ आफ्टर दैट आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे आप पीडीएफ के अंदर आप इसको प्रिंट कर लीजिए और आपका ये पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगा। ओके, जो प्रेस्क्रिप्शन हमने प्रिंट करी थी वो अभी यहाँ पे सेव हो गई है, अभी हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी प्रेस्क्रिप्शन है, आप इसके अंदर एक्सेल के अंदर आप पूरा फॉर्मेट आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आपका यहाँ पे क्लिनिक का नाम आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, आप आपके हिसाब से आपको कलरिंग चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं इसमें। अभी इसमें ये देखिए, जिस पेशेंट के लिए हमने प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट किया है, यहाँ पे उसका पेशेंट आईडी आ गया, नेम आ गया, देन डेट जिस डेट को प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट करी है वो आ गया, और जो एक्सेल फाइल में आपने मेडिसिन एंड फ्रिक्वेंसी के अंदर लास्ट जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा था तो वो यहाँ पर वो लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं आपके पेशेंट को कि आप उसको किस तरीके से दवाई लेनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, नेक्स्ट मीटिंग उसकी कब होएगी, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड नीचे यहाँ पे आपके सारे प्रिकॉशंस यहाँ पे मेंशन किए हैं, आपको कुछ सही लगता है और ऐड करने का तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस आप एक्सेल में कीजिएगा, तो फिर आप वहाँ से प्रिंट निकालेंगे तो पीडीएफ में ही प्रिंट हो जाएगा, एंड देन आपकी जैसी कन्वीनियंस हो आप उसको फ़ोन के अंदर लेके भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या मेल पे, या थ्रू लैपटॉप भी आप इसको या कंप्यूटर भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। वेब डॉट व्हाट्सएप यूटिलिटी आती है, आप ब्राउज़र के अंदर टाइप करेंगे तो आपका व्हाट्सएप वहाँ पे ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप इसको अटैच करके किसी भी पेशेंट को कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप प्रेस्क्रिप्शन सेंड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम सर्च बार को देखेंगे। तो ये हमारी सर्च बार है, इसमें आप डिफरेंट क्राइटेरिया से सर्च कर सकते हैं आपके रिकॉर्ड जो आपके इस लिस्ट के अंदर हैं। सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे क्राइटेरिया दिखेंगे। यहाँ पे आप पेशेंट आईडी से सर्च कर सकते हो, नेम, मोबाइल या डिजीज़ इनसे सर्च कर सकते हो, और डिफ़ॉल्ट आपका पेशेंट आईडी होता है। तो सपोज़ कीजिए आप पेशेंट आईडी 1126 आपने डाल के यहाँ पे आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और सर्च पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड सर्च होके आ गया। अभी आप पेशेंट को सेलेक्ट करोगे तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आप मान लीजिए नेम से सर्च करना चाहते हैं तो आपने नेम पे यहाँ पे किया सेलेक्ट, और अब यहाँ पे आपने कर दिया। अब इसमें स्पेशलिटी है कि आपको पूरा नेम अगर याद नहीं है तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर थोड़ा लेटर भी उसका डालेंगे, कुछ पार्ट भी अगर आप डालेंगे तो ये सर्च करके ले आएगा। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, हमने हिमांशु का कंप्लीट नहीं डाला था नेम, फिर भी उसका सर्च करके लिया है ये। एंड अगर आपको
मतलब लिस्ट रिफ़्रेश करनी है, तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश आप दबाइए तो आपकी पूरी लिस्ट रिफ़्रेश हो जाएगी। ओके, नाउ ये हमारा सर्च बार हो गया। अभी हमारा लास्ट टाइप बचता है जो है अपडेट रिकॉर्ड। अपडेट रिकॉर्ड इज़ बेसिकली फॉर दैट कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन में कोई रिकॉर्ड ऐड किया, ऐड करते टाइम आपने कुछ गलत डेटा डाल दिया, तो अब उसको करेक्ट करने के लिए आप अपडेट रिकॉर्ड आप यूज़ में ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपने पेशेंट का नेम गलत डाल दिया। ओके, सो सपोज़ कीजिए पेशेंट का नेम गगन शर्मा नहीं था, गगन कपूर था। ओके, तो यहाँ पे आपने पेशेंट का नेम चेंज किया और यहाँ पे आप जैसे ही अपडेट पे प्रेस करेंगे तो इनका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे इनका रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। ओके, और वही हमारा रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो रहा है और ये हर जगह आप जैसे इनकी रिकॉर्ड फाइल भी अगर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ भी इनका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपडेट रिकॉर्ड फंक्शन वर्क करता है। ओके, सो ये हमारी बेसिक फंक्शनिंग थी इसकी ऐप की। अभी इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बताया ताकि आपको एक ओवरव्यू पता लग जाए कि इसकी फंक्शनिंग क्या है। बाकी इसकी पूरी कैपेबिलिटीज़ के लिए एक डिफरेंट वीडियो आएगा जिसमें हम एक एक चीज़ को बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाएंगे ताकि आप इसका बेटर यूज़ ले सको। ओके, थैंक यू।